चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है शुभांश और आज मैं आपको नेट की जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम बहुत लोग हम मेरे से पूछते हैं कि सर जो एग्जाम था नेट का वो इतना डिले हो गया, कब होगा, कब एडमिशन होंगे, कब जो हमारे PhD हमें करना है डिले हो रहा है, तो क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जो हमारा फॉर्म आता है, आया था, मतलब इस बार जो आया था वो मार्च में 16 तारीख को आया था। 16 तारीख को हमारा फॉर्म आ चुका था एंड उसकी जो लास्ट डेट थी भरने की वो थी हमारी 16 अप्रैल। अप्रैल में 16 तारीख तक भरने की लास्ट डेट थी। इसके अकॉर्डिंग अगर यही शेड्यूल रहता तो हमारा एग्जाम जो होता वो 15 दिन बाद आपका एग्जाम होता, मतलब 15 तारीख को जून में हमारा एग्जाम होता। मतलब कहने का ये है 15 अप्रैल से 15 मई और 15 मई, 15 मई से और 15 जून, मतलब फॉर्म फिल कर जो लास्ट डेट थी उसके 2 महीने बाद हमारा एग्जाम था। कहने समझ रहे हैं आप, मतलब आज हमारी अगर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की तो उसके 2 महीने बाद पेपर होना था। अब हमारे कोरोना जी बीच में आ गए, इन्हें सारे इंस्टीट्यूशन बंद करा दिए, सारी जो भी थी सब कुछ बंद करा दिया। अब सब कुछ बंद कराने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे नेट जो NTA है, नेट कंडक्टिंग, जो नेट कंडक्ट कराती है वो भी बंद हो गई। तो उसने क्या किया, जो लास्ट डेट है उसको जो 16 अप्रैल थी उसको 16 मई कर दिया, मतलब 16 मई तक लास्ट डेट हो गई हमारी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर हो गया वो कब हो गया, 15 जून से लेके 15 जून से हमारा पेपर 15 जुलाई हो गया। मतलब जब हमारी डेट 16 मई तक आई तो 16 मई के बाद जब हमारा 16 मई तक लास्ट डेट थी तो हमारा पेपर कब होना था, 15 जुलाई में होना था। मतलब हमारा जो पेपर था वो जुलाई में शिफ्ट हो चुका। अब क्या हुआ, अब फिर कोरोना इफेक्ट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, कम होने का नाम ही नहीं लिया। तो जब काम कम नहीं हुआ तो क्या हुआ, डेट एक बार फिर से एक्सटेंड की गई, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही की गई है, 3 दिन पहले ही की गई है। अब डेट कब हुई, डेट जो बढ़ाई गई तो अब कब तक हुई डेट, डेट हुई है 31 मई तक। 31 मई तक, 30 या 31 मई तक लास्ट डेट है आपकी फॉर्म भरने की। तो एक बार फिर से एक्सटेंड हुई, तो जब एक्सटेंड हो गई तो अब आप मान लीजिए 30 मई तक, जब 30 31 मई तक लास्ट डेट है तो 2 महीने लगते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट होने में 2 महीने लग जाएंगे उनको। तो जब हमारी जो लास्ट डेट है वो हमारी 31 मई तक हो गई तो हमारा पेपर ऑब्वियसली कब पहुंच जाएगा, जुलाई के लास्ट में। जुलाई के लास्ट में मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई हो जाएगा या फिर आपका अगस्त में पेपर होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर उनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही रहा तो हमारा जो एक्सपेक्टेड डेट होगा पेपर का वो कितना होगा, जुलाई के लास्ट वीक में। अभी कोरोना बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन दुगना होता जा रहा है, 4,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, अभी ये 8,000 भी हो सकते हैं, हो सकता है कम भी हो। अगर ये कम हुआ, स्थिति सामान्य हुई, सब कुछ ठीक हो गया, तो आप ये मान लीजिए कि आपका पेपर जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक, मतलब 15 अगस्त के पहले हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा, कोरोना बढ़ गया, कोरोना और ज्यादा बढ़ गया, 10,000 केस आने लगे, 20,000 केस आने लगे, तो आप यकीन मानिए आपका पेपर फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। हो सकता है आपका पेपर अगस्त में के लास्ट में हो सकता है अगस्त के बाद भी हो सकता है सितंबर में हो, है ना। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, आप लोगों को अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू करनी है। जो लोग नेट के प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस सब चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। बिकॉज एग्जाम तो कंडक्ट होगा, जब फॉर्म निकाला गया है, फॉर्म फिल किया है बच्चों ने, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटेड रूप से, वो आज तक थोड़ी रहे होंगे, उनने तो कब का फॉर्म भर दिया होगा। और वो फॉर्म जब भर दिया है तो सब कुछ प्रोसेस होगा, तो जरूर होगा एग्जाम कंडक्ट, जरूर होगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, अब एग्जाम होगा ही नहीं, अब तो लास्ट वाला सेशन जो दिसंबर वाला है वही होगा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, एग्जाम तो जरूर होगा। तो आपको अपनी पढ़ाई में कोई भी इफेक्ट नहीं करनी है जो डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और जो ऐसे ही फालतू कर रहे हैं तो उनके लिए तो 1,000 बहाने हैं, मतलब कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 1,000 चीजें हैं। बट जो लोग डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एग्जाम जरूर कंडक्ट होगा और आपको
अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, बिकॉज आपको तो टाइम मिल गया ना। मतलब अगर जून में होता तो अभी 15 दिन बाद पेपर था, 20 दिन बाद पेपर था, बट आपको तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गया ना। दम से पढ़ाई कीजिए और निकाल दीजिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, जैसे ही डेट आएगी और एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वो लोग फिर अरे ये तो एकदम से आ गया, कैसे पढ़े, कुछ पढ़ाई नहीं अभी तक, तो वो लोग ये सब चिल्लाएंगे। तो आप लोग जो लोग डेडिकेटेड हैं वो पढ़ते रहिए, एग्जाम जरूर कंडक्ट होगा। जब भी हो एग्जाम, अगर सब कुछ सिचुएशन सही रहा, मैंने बताया आपको, जैसे ही सब कुछ सिचुएशन सही रहा, अभी के अकॉर्डिंग रहा, अभी से स्थिति सामान्य होना चालू हो गई, तो आप यकीन मानिए आपका पेपर जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी डाउट है आपको, आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन पेपर या जो भी है इस चैनल पर डालता रहूंगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको नेट की अपडेट मिलती रहेगी, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे रेलवेज है, जैसे आपका RRB है, JEE है, AE है, LMRC है, DMRC है, जो भी एग्जाम है, सारी एग्जाम की अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज शेयर आप जितना करोगे उतना स्टूडेंटों को हेल्प मिलेगा, उतना सभी जो स्टूडेंट हैं वो इस इंफॉर्मेशन का लाभ ले पाएंगे, और जो भी क्वेश्चन डालेंगे सभी इस इंफॉर्मेशन का, इस क्वेश्चन का, इस नॉलेज का लाभ ले पाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेट की जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग मिलते हैं, और आप पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।